तो दोस्तों मेरे जो दोस्त है महेश भाई वकील, उन्होंने खास सूरत से ये अलग अलग प्रकार की पतंग और ये स्पेशल सुरती मांझा हम सब के लिए भेजा है। क्या बात है। अभी ये पतंग आप लोगों ने देखी भी होगी, शायद उड़ाई भी होगी, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये सब पतंग के अलग अलग नाम होते हैं। अच्छा, पतंगों के भी अलग अलग नाम होते हैं? हाँ। वाह जेठा भाई, बताइए बताइए। जी जरूर। तो सबसे पहले ये देखिए, ये पतंग, इसको बोलते हैं चील। चील? हाँ बबीता जी, चील। अच्छा, ओके। ये चील पंछी की तरह आकाश को चीरते हुए ऊपर उड़ती है। खींचने के लिए पतंग सबसे बेस्ट है। हाँ, ये क्या है, पहले नीचे चली जाती है और फिर चील पंछी की तरह जब 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 ऊपर उड़ती है और ऊपर वाली पतंग को फटाक से काट देती है। वाओ जीठा भाई, दिखाइए तो। हाँ लीजिए लीजिए। अरे मैचिंग मैचिंग हो गया आपका ड्रेस के साथ। बुलु बुलु। हाँ, और अभी ये देखिए, इसे चांद कहते हैं। ये आसमान में चांद की तरह चमकती है। अय्या मस्त है बगू। हाँ बगा की बगा की। वाह वाह। अच्छा मस्त। फ्रेंड्स, ये सबसे ना बैलेंस वाली पतंग है, इसे कम हवा में भी उड़ा सकते हैं। ओ हाँ। ये पतंग को कहते हैं आंखेदार पतंग। ये पतंग की खासियत ये है कि ये पतंग जब आसमान में उड़ती है तो बादलों के बीच में से भी इसकी आंखें चमकती है। ये मेरी फेवरेट पतंग है। अरे वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो अभी इसको यहाँ रख के यहाँ रख देते हैं। और अभी आ रही है सबसे बड़ी पतंग, इसे कहते हैं ढाल। एवरीबॉडी पतंग। ये पतंग इतनी भारी है कि इसके वजन से दूसरी पतंग कट जाती है। टप्पू बता ना जरा। हाँ, देख 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 बेटा, देख देख। काफी भारी है ये पतंग। हाँ, और मस्त है। चमक रही है। उसमें जब हवा भरती है ना ऊपर तो और वजनदार हो जाती है। तो ये हो गया ढाल। और अभी ये पतंग, इस पतंग को कहते हैं चरकट। सबसे स्फूर्तीली पतंग है ये। इसको खींचना चाहो तो खींचो, ढील देना चाहो तो ढील दो। चरकट मतलब वो पत्तों में होता है ना, वो कलर होते हैं ना, सिल्वर बादाम चरकट। वो चरकट। हाँ देखो, वो शेप भी वैसा ही है। हाँ। वाओ, दैट्स लुक रियली इंटरेस्टिंग। देखो सर। हाँ देखिए देखिए देखिए। इसका शेप भी अलग है पूरा बाकी सब पतंग से। देखो थोड़ा ऐसा। अभी ये पतंग देखिए। आप कहेंगे ये क्या, एकदम सफेद पतंग, कोई डिजाइन नहीं कुछ नहीं। उसके पीछे कारण है कि ये पतंग रात को उड़ाने के लिए है। क्योंकि क्या है, ये पतंग जब उड़ाते हैं तो इसके मांझे के साथ ये ऐसे छोटे छोटे ये कंदील, फिर वो गुब्बारे, वो सब लगा के इसके साथ उड़ा सकते हैं। ओह वंडरफुल। ये पतंग क्या बहुत एकदम स्थिर रहती है, इसलिए ये सफेद पतंग रात को उड़ाने के लिए। मुझे सारी वैरायटीज की पतंग है, पूंछ वाली पतंग है, छोटी पतंग है, बड़ी पतंग है, सब तरह की पतंग है। Well, thank you so much, Jitha ji, for all this information. अरे वाह, पतंग के इतने अलग अलग नाम होते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अच्छा और एक बात, ये सब जो अलग अलग पतंग है वो अपने नाम के मुताबिक अपना अपना गुण तभी दिखाते हैं जब ये सब पतंग की कन्नी जो होती है ना वो अगर बराबर बंधी हो। जेठा भाई प्लीज कन्नी बांधना सिखाइए, मैं इतने सालों से पतंग उड़ा रही हूँ पर मुझे कन्नी बांधना नहीं आता। मुझे भी। हाँ? हमेशा स्ट्रगल करती। अरे कोई बात नहीं कोमल भाभी, कितने लोग ऐसे हैं उनको आज भी कन्नी बांधना नहीं आता, मतलब सालों से पतंग वो लोग उड़ाते लेकिन कन्नी बांधना नहीं जमता। कोई बात नहीं, आज मैं सबको कन्नी कैसे बांधते हैं वो एक थोड़ा सा सिखाऊंगा।
साइज की करनी भी हो गई परफेक्ट। क्या बात है अगेन जेठा जी, थैंक यू सो मच।